इसको आज अपग्रेड करेंगे हम, इसके अंदर SSD ड्राइव हम जो है ना इंस्टॉल करेंगे 128 GB की, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर ये कैडी है, ये इसकी अपनी जो हार्ड है वो निकाल के, तो ये DVD भी इसकी जो है ना हम बाहर निकाल लेंगे, उसके जगह ये कैडी लगाएंगे। कैडी के अंदर ये वाली हार्ड जो है ना इसकी फिट हो जाएगी, और ये कैडी इसके अंदर इंस्टॉलेशन होगी इसकी। उसके बाद इसकी जो है ना रैम, 4 GB रैम है इसकी, वो 8 GB रैम जो है ना हम इसके अंदर जो है ना इंस्टॉल करेंगे, रैम भी अपग्रेड करेंगे और SSD भी अपग्रेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लिनोवो का लैपटॉप है, T420S मॉडल है इसका। इसको आज अपग्रेड करेंगे हम, इसके अंदर SSD ड्राइव हम जो है ना इंस्टॉल करेंगे 128 GB की, ठीक है। और दूसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर ये कैडी है, ये इसकी अपनी जो हार्ड है वो निकाल के, तो ये DVD भी इसकी जो है ना हम बाहर निकाल लेंगे, उसके जगह ये कैडी लगाएंगे। कैडी के अंदर ये वाली हार्ड जो है ना इसकी फिट हो जाएगी, और ये कैडी इसके अंदर इंस्टॉलेशन होगी इसकी। उसके बाद इसकी जो है ना रैम, 4 GB रैम है इसकी, वो 8 GB रैम जो है ना हम इसके अंदर जो है ना इंस्टॉल करेंगे, रैम भी अपग्रेड करेंगे और SSD भी अपग्रेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह, इसकी हार्ड ड्राइव जो है ना ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, अच्छी हार्ड ड्राइव इसकी बाहर निकल आई है। अब ये फिटिंग SSD की कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ठीक है। जी, इसकी विंडो जो है ना हमने SSD के अंदर इंस्टॉल की है, तो ये विंडो इसकी रन हो रही है, लास्ट वाला सेटअप है ये। बैटरी लो हो गई है, चार्जर लगा लेंगे इसको, ठीक है। अभी इसकी दूसरी इंस्टॉलेशन वगैरह कर लेंगे DVD वगैरह की। ये रेवड़ी है, ठीक है, इसको बाहर निकाल लेंगे ये चीज़, ठीक है। ये रेवड़ी बाहर निकल गई है इसकी, साटा ड्राइव है। अब ये हार्ड जो है ना इसकी, ये कैडी के अंदर फिटिंग कर लेंगे इसकी। ये जी, हार्ड की फिटिंग हो गई है, ठीक है, सेकंड कैडी के अंदर। ये फ्रेम वगैरह इसका बना दी है, तो ये जो इसका DVD पुराना होता है इसके अंदर से ये फ्रेम वगैरह उतार के, तो इसको लगा लेते हैं कैडी को। तो अभी ये लगाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, ये फिटिंग हो गई है इसकी, ठीक है, ये लॉक हो गया। अभी इधर से इसको लॉक कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको कर लेंगे इसकी रैम अपग्रेड। बिस्मिल्लाह, ये 2 2 GB की दो रैम्स लगी हुई हैं, तो ये रैम्स तो हमको दोनों ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये 4 4 GB की दो लगाएंगे, इसको 8 GB जो है ना अपग्रेड करेंगे, तो ये दोनों रैम निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब 4 4 GB के इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर लेंगे। 4 GB 12833L, ये भी 4 GB, ठीक है, 12833L है, तो ये 4 4 GB के दोनों रैम्स इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है। ये 2 2 GB की इसकी जो है ना हमने बाहर निकाल लिया। अभी इसका डिस्प्ले ले लेंगे कि ये सपोर्ट करती हैं या नहीं, कैश रैम का फ़र्क हो तो फिर डिस्प्ले भी नहीं आता, ये प्रॉब्लम आती है, तो ये आपने देख लेना ध्यान से। तो ये डिस्प्ले आ गया, इसका मतलब है कि ये सपोर्ट कर गया,
ठीक है। तो अभी इसको चार्जर वगैरह लगा लेंगे हम, क्योंकि इसकी बैटरी नहीं है। बिस्मिल्लाह जी, ये कंप्लीट रेडी हो गया है। एसएसडी ड्राइव भी अपग्रेड हो गई है, ठीक है। इसकी अपनी हार्ड भी इसकी के अंदर जो है ना कैडी लगा के फिट कर दी है, और रैम भी जो है ना इसकी अपग्रेड कर दी है। तो ये विंडो ऑन होती है, तो आपको चेक करवाते हैं। ये चेक करें, रैम इसकी 8 GB हो गई है, ठीक है ये चीज़। उसके बाद SSD लग गई है इसकी, ये 128 GB की SSD लग गई है, और 250 GB इसकी अपनी जो है ना हार्ड ड्राइव है। तो अभी बिल्कुल ओके है, स्पीड भी इसकी टन टन हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।